बच्चे ने आईआरसीसी को कॉल की, उससे पहले एक बच्चे ने मीफी को भी कॉल की थी, आईआरसीसी को भी, तब भी कोई जवाब नहीं मिला था उन्हें। हमारी साइड से कुछ नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद कनाडा कॉलेज ने तो साफ कह दिया है कि किसी भी डीएलआई में ट्रांसफ़र ले लो हमसे फीस। तो इससे ज़्यादा क्लियर कट क्या मिलेगा कि मैंने आपको टाइमलाइन समझा दी, मैंने आपको आज की टाइमलाइन बता दी, मैंने आपको इंटेक्स के बारे में बता दिया, मैंने कॉलेज और आईआरसीसी के रिस्पॉन्सेस के बारे में बता दिया। अगर अभी भी कोई घुमाए जा रहा घुमाता। सो हेलो स्टूडेंट्स, जो मॉन्ट्रियल के हैं, जो क्यूबेक जाना चाहते हैं, मॉन्ट्रियल जाना चाहते हैं, या जिनकी फाइल लेट की हुई है, उनके लिए इस वीडियो में जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत सारे स्टैट्स होंगे, उन स्टैट्स से एक कंक्लूजन निकाला जाएगा जो आपको बताया जाएगा। आप इस सारी चीज़ को ध्यान से सुनना, टाइमलाइन को समझना, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइमलाइन, पीपीआर टाइमलाइन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा, जिससे आपके जो डाउट्स हैं और जो डाउट्स आपके माइंड में क्रिएट हो रहे हैं और क्रिएट किए जा रहे हैं थ्रू एजेंट्स एंड थ्रू पीपल, इट इज़ गुड टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना एक अच्छी बात है कि येस, थिंग्स विल इम्प्रूव, थिंग्स विल गेट बेटर एंड इवेंचुअली होंगी, बट अभी जो सिचुएशन है हम उसके बारे में बात करते हैं। और अगर किसी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं सुननी हो या सच ना सुनना हो, और सच को अगर नेगेटिव लेबल करना हो, तो आप अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में सीरियस स्टूडेंट्स हैं, वो इस सारी इन्फॉर्मेशन को सुनना। सो बात आती है अब कि दिसंबर में बायोमेट्रिक्स ओपन हुए इंडिया, जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद मई जून से जो सब बंद था, अप्रैल से दिसंबर में वैक्स सेंटर खुले और आपके बायोमेट्रिक होना स्टार्ट हुए। जब दिसंबर में बायोमेट्रिक हुए तो वो जनवरी तक के स्लॉट्स मिले, दिसंबर के भी बहुत कम लोगों को मिले, लाखों फाइल्स लगी हुई थी स्टूडेंट की। मैं बाकी चीज़ों की तो बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि विजिटर और बाकी सब तो उन्होंने हटा रखा था, फैमिली क्लास में भी कुछ ही कैटेगरीज चल रहे थे। इतनी सारी फाइलों को प्रोसेस करने के लिए दे टुक 12 वीक्स टाइम। जिस दिन आपका बायोमेट्रिक हो गया, उससे आपको 12 हफ्ते मींस 10 to 12 weeks, जर्नली उन्होंने 10 to 12 weeks, मैक्स 12 वीक्स में दे दिया, 3 महीने में रिजल्ट दे दिया लाखों फाइलों के। अब मैं पहले फाइलों की क्वांटिटी आपको समझाता हूँ, फिर दोबारा रिजल्ट्स पे आएंगे। कनाडा में 2019 में, 20 के तो स्टैट्स नहीं है, 19 में CIC न्यूज़ की वेबसाइट पे गिवन है, लगभग 6.5 लाख बच्चा आया था इंटरनेशनल स्टूडेंट, कहीं जगह 4 दे रखा है, कहीं जगह 5, तो हम एक एवरेज लेते हैं, लगभग 5 लाख बच्चा आया। जिस 5 लाख में से लगभग 35% बच्चा इंडियन था, उसके बाद चाइनीज़ होता है 22%, तो आधे से ज़्यादा यही होते हैं, फिर पूरे वर्ल्ड ओवर स्टूडेंट्स होते हैं। इसमें से भी आधा बच्चा ऑन्टेरियो जाता है, लगभग 25% 23, 24, 25 BC जाता है, केवल 14% बच्चा क्यूबेक जाता है। तो आप लोग कितना कम जा रहा है, मेजॉरिटी तो वहीं जा रहा है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपको फाइलों की क्वांटिटीज समझा रहा हूँ कि जब PPR आती थी ज़्यादा ऑन्टेरियो की क्यों आती थी, टोरंटो की क्यों आती थी, और क्यूबेक की क्यों कम आती थी, है ना। और क्यूबेक में जो इंडियन बच्चा जाता है वो भी कम होता है, लास्ट 2 years, 3 years से ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि क्यूबेक में फ्रेंच प्रोविंस है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो फ्रेंच पीपल हैं, दे इधर गो टू फ्रांस, और फ्रांस के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ऑल दोज थिंग्स, और इंग्लिश और फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ यहाँ मिक्स हैं, जिसमें मैगिल है, कनकोडिया है, बिशप्स है, तो वहाँ पे और क्वांटिटी कम हो जाती है, तो और PPRs कम आती हैं, थोड़ा सा डिले हो जाता है CAQ प्रोसेस की वजह से भी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब बात आती है कि जो फाइलें लगी हुई थी उनका जो मेडिकल अपडेट था, जब मेडिकल अपडेट होता था उसके कुछ समय बाद आपको PPR देखने को मिल जाती थी। जैसे इन माय केस लगभग 15-16 दिन बाद PPR आ गई थी, वर्किंग डेज 12-14 वर्किंग डेज रहे होंगे। जनरली सबका ये ट्रेंड था कि जैन में, फरवरी में, फेब में बहुत सारी PPR आना स्टार्ट हुई, उसके बाद मार्च में और रेनिंग PPR आने लगी। 3-4 चैनल हैं जो डेली अपडेट्स तब भी डालते थे, अब भी डालते हैं, PPR टाइमलाइन एवरीथिंग। तब लगभग 2 से 3 महीने लग रहे थे, अब 1 महीने में आ जाती है। समझिए आपने मेडिकल कराया फाइल लगाने से पहले या फाइल लगाने के बाद, ठीक है, बायोमेट्रिक दिया, मेडिकल कराया, उसके बाद मेडिकल जैसे ही आपका अपडेट होता था, उसके विद इन अ वीक 10 डेज आज की तारीख में PPRs आ रही हैं। तो आप पहले तो ये समझ लीजिए फ्लो, जब इतना था
और मेजॉरिटी इनटेक सितंबर, उसके बाद जनवरी, वो भी बता दूं सितंबर इनटेक में लगभग 60% बच्चा जाता है, 30% बच्चा जाता है जैन इनटेक में, और मुश्किल से 10% बच्चा मेन इनटेक में, क्योंकि मेजर इनटेक्स वही हैं। तो जब वो इतना बैकलॉग जैन का सितंबर का सारा इनटेक उन्होंने 3 महीने में क्लियर कर दिया, 3 महीने की टाइमलाइन देके, तो अब तो उनके पास कुछ ज़्यादा है ही नहीं क्लियर करने के लिए, दे आर सिटिंग ओवर दोज फाइल्स। वो जो प्रॉब्लम है वो बता नहीं रहे हैं। अब इसके बारे में भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, दो स्टूडेंट्स हु आर एक्टिव इन ऑल दोज ग्रुप्स। देखो, एक बच्चे ने IRCC को कॉल की, उससे पहले एक बच्चे ने मीफी को भी कॉल की थी, IRCC को भी, तब भी कोई जवाब नहीं मिला था। उन्होंने कहा था हमारी साइड से क्लियर हो गया, ठीक है। IRCC ने कहा हमारी साइड से कुछ नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, कॉल सेंटर पे फ़ोन किया, उनके ऑफिशियल उठाते हैं, बात करते हैं। अभी एक वीडियो सर्कुलेट हुई है सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और यूट्यूब पे, जहाँ एक बच्चे ने उसको कॉल किया, बात कर रहा है, ढाई ढाई मिनट की वीडियो टोटल साथ साथ, वहाँ पर भी आपको कोई क्लियर कट आंसर नहीं दिया गया है। उसके बाद कनाडा कॉलेज ने तो साफ कह दिया है कि किसी भी DLI में ट्रांसफ़र ले लो हमसे फीस, दे डोंट वांट टू गेट इनटू दिस हेडेक जो हो चुकी है, दे हैव आल्सो सेड कि आप ले लो। उसके बाद आज ही सुबह मैंने देखा एक बच्चे की चैट आई है, व्हाट द स्टूडेंट हैज़ डन, दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन, और कनाडा कॉलेज ने उसकी जस्ट बता दूँ कहा है कि वी ऑल्सो डोंट नो, और ये इंडिया स्पेसिफिक ही हो रहा है, बाकी हमें PPRs आ रही हैं, बाकी जगह के वीज़ाज आ रहे हैं, इट इज़ इंडिया स्पेसिफिक। आएंगी, पॉजिटिव रहो, अगर आप AIP लगा रहे हो, आप क्लासेस लगा रहे हो AIP के बेस पे, आई रियली फील बैड फॉर यू। अगर आपने बिना AIP के भी क्लास लगानी स्टार्ट कर दी क्योंकि आपने सोचा कि बहुत टाइम निकल गया, आएगी वरना फ़ीस रिफंड हो जाएगी, अब वो रिफ्यूज़ल भी नहीं आया, कोई अपडेट भी नहीं आई ऑफिशियली, अब नया क्या आया कि 15 तक फाइल लॉन्च कर दो, 6 अगस्त तक रिजल्ट मिल जाएगा। तो अभी भी आप देखो कि 1.5 महीने में वो रिज़ल्ट देने को तैयार हैं सितंबर इनटेक तक के, और आपकी फ़ाइलों के रिज़ल्ट देने को वो तैयार नहीं है, वो उसी में इंक्लूड कर रहे हैं, डायरेक्टली कुछ आपको बताए ही नहीं रहे हैं कि वॉट इज़ द स्टेटस एंड वॉट दे आर गोइंग टू डू अबाउट दिस। कांट दे सिंपली टेल यू द फैक्ट्स, बट दे आर नॉट टेलिंग यू, रीज़न उनको पता होगा। सो प्लीज़ बी वाइज, और मैं पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ कि DLI चेंज के लिए क्यों करना है। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ कॉलेजेस आपको बता दिए मॉन्ट्रियल में, क्यूबेक में, एंड देन अब मैं DLI चेंज पे भी एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा कि कैसे कराना है। डरना नहीं है, वॉट एवर हैज़ हैपन्ड इट इज़ नॉट योर मिस्टेक, बट अगर आप बैठे रहेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, सोचेंगे नहीं, देन इट इज़ योर मिस्टेक। और फिर इफ़ somebody इज़ ट्राइंग टू गाइड यू, हेल्प यू, उसको बोलेंगे कि डीमोटिवेट कर रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं। इवन आई वॉज ट्राइंग की एक हेल्प, मैं आई वॉज ट्राइंग एक ग्रुप में मैं रिप्लाई कर रहा था, एंड मुझे नहीं पता था दैट द गर्ल वॉज ग्रुप एडमिन, मीन्स रियलिटी फेस करने की बजाय शी रिमूव्ड मी फ्रॉम द ग्रुप रादर देन हैविंग वन ऑन वन कन्वर्सेशन या उसको डिबेट करते, बट इट्स ओके। मेरा काम जो है वो आई एम ट्राइंग फॉर यू पीपल, सो अभी इन चीज़ों को ध्यान रखो और क्या चल रहा है उसको एनालाइज करो, और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो। बाय।